हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म आ चुका है और आप लोग फॉर्म भर भी रहे हैं, तो एक समस्या आ रही कई छात्रों के साथ है और उन्होंने पूछा है कि सर फ़ोटो पर डेट लिखना भूल गए हैं तो अब क्या करें। तो उनके दिमाग में जो चीज़ें आ रही वो ये कि क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि अब क्या करना चाहिए, गलती हो गई तो हो गई, अब करना क्या चाहिए, क्योंकि फॉर्म को मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं है। और तीसरा प्रश्न जो छात्रों के मन में आ रहा है, ये उन छात्रों के मन में आ रहा है जिनका फॉर्म तो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, लेकिन अब उनको पढ़ना कैसे है, ये उनका प्रश्न है। तो उनके प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या जेके के लिए लूसेंट ही बेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी यूजफुल वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। सबसे पहली बात तो एडवर्टीजमेंट में चलते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं कि फ़ोटो लिखने के बारे में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, ये है एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे देखिए, फ़ोटो के बारे में बोला गया है कि आपको जो फ़ोटो लगाना है उसकी विड्थ और हाइट दी गई है। उसके बाद इसमें लिखा गया है, दी फोटोग्राफ शुड बी विद आउट कैप। तो बिना कैप की फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। स्पेक्टेकल्स बिना चश्मे का, यानी कि काला चश्मा जो लगाते हैं हम लोग, उसको लगा के फ़ोटो खींच जाते हैं, तो काला चश्मा नहीं लगाना है। ये नहीं कि जो चश्मा नज़र का चश्मा हम लोग लगाते हैं, जिनमें नंबर छात्रों के पास होते हैं कि चश्मे का नंबर मिला हुआ है, आई साइड का चश्मा, वो चश्मा हटा के फ़ोटो नहीं खिंचानी है, उसको लगा के खिंचाना है। एंड बोथ ईयर शुड बी विजिबल, दोनों कान दिखने चाहिए। कान दिखने का मतलब क्या है, तिरछी लोग फ़ोटो खींचा लेते हैं, एक कान छिपा रहता है, तो वो फ़ोटो नहीं चलेगी, सामने से फ़ोटो होनी चाहिए। अब आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, और इसको हाईलाइट किया गया है। तो इसमें कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखी है कि जो है फॉर्म आपका इस फोटो की वजह से रिजेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। और फोटोग्राफ जिनकी धुंधली भी आती है मान लीजिए, या जिन्होंने ठीक से जो है अपलोड नहीं कर पाते हैं फ़ोटो, तो उनकी फ़ोटो की जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से कभी किसी वैकेंसी में कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, और यह टेंशन आप दूर कर दीजिए कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। करना क्या है, देखिए करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर लेकर बात करते हैं। SSC की जो वेबसाइट है वहाँ पर जो आधिकारिक ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी जो है, उसके ऊपर आप एक मेल कर दीजिए, अपनी डिटेल्स दे दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें डाल दीजिए, और जो फ़ोटो की डेट आपसे छूट गई है उसके बारे में उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि मुझसे बाई मिस्टेक ये चीज़ छूट गई है, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन में इस लाइन को नहीं पढ़ पाया था, ठीक है। ये आपको करना है। तो दोनों प्रश्नों के आपके उत्तर हो गए। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं, लूसेंट की। लूसेंट की बात करने से पहले फोटोग्राफ पे फिर से आते हैं हम, फोटो के बारे में चीज़ और आपको बता देते हैं कि किसी भी परीक्षा का कोई भी फॉर्म फ़ोटो के कारण रिजेक्ट नहीं होता है। और अगर फ़ोटो में कोई दिक्कत होती है तो एक लिस्ट निकालता है आयोग, जिसमें कि फ़ोटो रिलेटेड प्रॉब्लम जिनकी होती है या सिग्नेचर रिलेटेड प्रॉब्लम जिनकी होती है, उनकी एक लिस्ट होती है, उनको वो चीज़ सही करने के लिए समय दिया जाता है। और अगर उनको इससे कोई बड़ी समस्या नहीं होगी तो फिर वो भी लिस्ट भी नहीं आएगी, क्योंकि फ़ोटो पे अगर डेट नहीं लिखा, डेट लिखवाते क्यों है, सबसे पहले तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि फ़ोटो जो लिया है उसके ऊपर एक डेट आनी चाहिए आपकी कि किस डेट का है। नीचे यहाँ पे चिपका के लोग फ़ोटो स्कैन कर लेते हैं, तो डेट इसलिए लेते हैं कि जिससे ये पता चले कि आपकी फ़ोटो कितनी पुरानी है, और कोई मकसद नहीं होता है। अगर आपकी रीसेंट फ़ोटो है तो आप बिल्कुल निर्भीक रहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खाली वो पता करते हैं कि कितनी पुरानी फ़ोटो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो फ़ोटो लगाया है और आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोनों फ़ोटो में चेहरे में आप कोई पहचान ही ना पाए। कहीं ऐसा तो नहीं आपने 10 साल की एज वाली फ़ोटो लगा दी है, 12 साल की, 15 साल की एज वाली फ़ोटो लगा दी है, कहीं इस तरह का कोई डाउट तो नहीं है।
अगर इस तरह का डाउट रहता है तब उनको दिक्कत आती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। आपने रिसेंट फ़ोटो लगाई है, एक साल के अंदर की फ़ोटो भी अगर आपने लगाई है, एक साल के अंदर की फ़ोटो खींची गई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो ठीक है दोस्तों, अब लूसेंट पे आ जाते हैं। तो जो छात्र यह मानते हैं कि लूसेंट पढ़कर परीक्षा को पास किया जा सकता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। क्योंकि लूसेंट अपने आप में एक ऐसी बुक है कि जिसको पढ़ लेने के बाद आपका जीके काफ़ी हद तक तैयार हो जाता है, लेकिन लूसेंट पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। इतने कम समय में आप लूसेंट नहीं क्लियर कर सकते। लूसेंट के मेन मेन पॉइंट आप पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, और लूसेंट के चक्कर में ही अगर पढ़े रहेंगे तो हो सकता है इस परीक्षा में आप फेल हो जाएं। क्योंकि 50 नंबर तो आपको केवल जीके से ही, 50% केवल जीके ही आपका, जीके इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, करंट और जीके आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो करंट और जीके लूसेंट से भी पढ़िए, लेकिन लूसेंट को ही सब कुछ मान के मत चलिए, क्योंकि लूसेंट को तैयार करने के लिए कम से कम 1-1.5 साल का समय चाहिए होता है। और जो लूसेंट तैयार कर लेता है पूरा, उसके कंपटीशन पे रुकते नहीं हैं। लेकिन अभी आपके पास 1-1.5 साल का समय कहाँ है? 27 नवंबर को आपकी परीक्षा है, जुलाई ख़त्म, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3-3.5 महीने में आप लूसेंट कवर नहीं कर सकते। और अगर आपने पहले से पढ़ रखी हो तो बात दूसरी है। तो दोस्तों, जो जीके जीएस है, 50 क्वेश्चन इसके आएंगे, 25, 15 और 10, ये 10 कंप्यूटर के जो आएंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो मिलेगा मेरा, कंप्यूटर के बारे में वीडियो मिलेंगे। तो जीके और कंप्यूटर की वीडियो मैं आपको अपलोड कराऊंगा अपने इस चैनल पे, और मैथ और रीजनिंग के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसके वीडियो भी आपको उपलब्ध कराऊँ। तो बने रहें देखिए एकेडमी के साथ, और अपना चयन पक्का करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा।